अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे खैरियत के साथ। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्लच स्प्रोकेट की आवाज़ किस तरह की होती है और क्लच स्प्रोकेट अगर आवाज़ कर रही हो तो उसकी आवाज़ को किस तरह ख़त्म किया जाता है। आज पूरी डिटेल के साथ मैं आप दोस्तों को इसकी आवाज़ जो है बाइक को चला के चेक करके दिखाऊंगा कि इसकी आवाज़ किस तरह की होती है और आप खुद इसकी पहचान किस तरह कर सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ आप दोस्तों को आज बताना है, तो दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको समझ आ सके कि ये काम किस तरह होता है और इसकी आवाज़ को किस तरह चेक किया जाता है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूं कि इसकी आवाज़ किस तरह की होती है। तो अभी हम बाइक को चला के चेक करते हैं और इसकी आवाज़ सुनते हैं कि आवाज़ किस तरह की होती है। तो चलिए दोस्तों अभी आप ये आवाज़ सुनें और मैं बाइक को चला के चेक करता हूँ। जी तो दोस्तों जैसा कि आपने ये आवाज़ तो सुनी है, तो ये आवाज़ इस टाइम बाइक में क्लच स्प्रोकेट की आवाज़ आ रही है। तो ये क्लच स्प्रोकेट की बेसिकली आवाज़ होती है। और इसके अलावा अगर इस तरह की आवाज़ आ रही हो और क्लच स्प्रोकेट की ना हो तो वो किस चीज़ की होती है? दोस्तों गियर ट्रांजिशन के अंदर भी ग्रारियाँ जब ख़त्म हो जाती हैं तब भी ये आवाज़ करती हैं। ग्रारियों के दंदे जो हैं वो उनके ऊपर निशान आ जाते हैं, निशान आने की वजह से ये आवाज़ करते हैं। तो उसकी पहचान और इसकी पहचान में फ़र्क मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर तो क्लच स्प्रोकेट की आवाज़ होगी दोस्तों, यानी कि क्लच की जो ग्रारियाँ ये आवाज़ कर रही है, तो इसका मतलब है कि चारों गियर में आवाज़ आएगी। यानी कि पहले गियर में आपने चलाया तब भी आवाज़ आ रही है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब गियर में आवाज़ आएगी अगर क्लच स्प्रोकेट की आवाज़ है। अगर गियर की स्प्रोकेट की आवाज़ है तो फिर पहले गियर की अगर स्प्रोकेट ख़राब है तो पहले गियर में आवाज़ करेगा, दूसरे की ख़राब है तो दूसरे में, तीसरे की ख़राब है तो तीसरे में, चौथे की तो चौथे में। ज़्यादातर तीसरे गियर में फॉल्ट आता है या दूसरे गियर में फॉल्ट आता है और बाकी चौथे और पहले में बहुत कम फॉल्ट आते हैं। तो ये आवाज़ जो है अगर इस तरह की आ रही हो, किसी एक गियर में आ रही हो, दूसरे किसी और गियर में ना आ रही हो, तो फिर आपने समझना है कि इसके गियर ट्रांजिशन की आवाज़ है। अगर चारों गियर में आ रही है तो आपने समझना है कि इसकी क्लच स्प्रोकेट की आवाज़ है, जो कि उसके दंदे जो है वो ख़राब हो चुके हैं जिसकी वजह से ये आवाज़ कर रही है। तो दोस्तों इसको ख़त्म करने के लिए ये आवाज़, अगर क्लच स्प्रोकेट की आवाज़ आ रही हो तो इस आवाज़ को आप किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? दो तरीके हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। एक जो है बग़ैर खर्चे के, आप थोड़ा सा खर्चा होगा, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, एक जो है वो थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो इसकी जो छोटी स्प्रोकेट होती है उसको ही आप उल्टी साइड लगा सकते हैं। खरादिए के पास जाएंगे, उसे कहना है कि इसकी साइड जो है वो चेंज कर दो, तो वो आपको इसकी साइड चेंज कर देगा। चेंज करने से ये होगा कि जो ग्रारी के ऊपर निशान है, निशान की साइड जो है वो चेंज हो जाएगी और आपकी स्प्रोकेट जो है वो सही काम करेगी और आवाज़ नहीं करेगी। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो आपको दोनों स्प्रोकेट ही चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप एक छोटी स्प्रोकेट चेंज करेंगे, बड़ी नहीं करेंगे, तो भी आवाज़ आएगी, ठीक है। अगर बड़ी स्प्रोकेट आप चेंज कर रहे हैं, छोटी नहीं कर रहे, तो भी आवाज़ आएगी, ठीक है। आपने दोनों सूरत में दोनों ग्रारियां ही चेंज करनी होगी। अगर आप ग्रारियां नहीं चेंज करना चाहते तो मैंने आपको उसका भी हल बता दिया। तो ये दोनों तरीके बहुत ही बेस्ट है। मैं तो ज़्यादातर ग्रारी जो है वो उसकी साइड चेंज करवा देता हूँ, अगर कोई कस्टमर कहे तो उसकी, उसके लिए हम जो है स्प्रोकेट चेंज करते हैं, अगर ना कहे तो हम जो है उसकी साइड जो है वो चेंज करवा देते हैं। तो दोस्तों ये
तकरीबन 600-700 रुपए की आपको स्प्रोकेट मिल जाएगी। तो ये बेहतर है कि आप इसको नया ही डाल दो तो मसला ही हल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।